मिशन देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। रात 10 बजे के बाद सड़क पर बेवजह घूमते पकड़े गए तो पुलिस डंडे से करेगी सख्ती। पुलिस ने टैंकर से पकड़ी 9 लाख की शराब, 6 तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़े। कल से खुलेंगे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के स्कूल। स्कूल में फूलों से होगा बच्चों का स्वागत, बीएसए ने दिया आदेश। ऑफिस बदले जाने की सूचना के बाद सहारा इंडिया ऑफिस में पहुंचे लोगों ने जमकर किया हंगामा। भुगतान न होने की वजह से परेशान थे लोग। अब दिखाते हैं आपको दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। विकासखंड मदनापुर के गांव पहुरा का रहने वाला रचपाल मौर्य आज आवास की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गया। रचपाल का आरोप है कि वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उसकी पत्नी रीना का नाम पात्रता सूची में दर्शाया गया था। वहीं जब उसने ग्राम सचिव से संपर्क किया तो उसने वर्ष 2019 में आवास देने की बात कहकर टाल दिया। रचपाल का कहना है कि उसको अभी तक आवास नहीं मिला है और वह मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण कर रहा है, उसके पास पक्का मकान नहीं है। आज रचपाल मौर्य अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट में भूख हड़ताल पर बैठ गया। उसका कहना है कि जब तक उसको आवास का कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता वह भूख हड़ताल जारी रखेगा। कल जिले के सभी विद्यालयों को खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते लंबे समय से विद्यालय बंद थे, जिनको अब खोला जा रहा है। जूनियर और माध्यमिक विद्यालय पहले ही खोले जा रहे हैं। वहीं कल से कक्षा 1 से 5 तक के सभी विद्यालय खोल दिए जाएंगे। खास बात यह है कि इस दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य रहेगा। जलालाबाद के मछरिया गांव में टूटे तारों से करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि मछरिया गांव का रहने वाला भगवान दास अपने खेत पर जा रहा था, इसी दौरान रास्ते में टूटी पड़ी लाइन की चपेट में आ गया। इस दौरान करंट लगने से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं मृतक के परिजनों ने विद्युत कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज रात 10 बजे के बाद सड़क पर बिना काम के घूमने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पड़ोसी राज्यों में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या के बाद अब पूरे प्रदेश में शासन ने सख्ती के आदेश दिए हैं। हालांकि कल जन्माष्टमी के दिन रात्रि कर्फ्यू में ढील दी गई थी। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान महापंचायत को सफल बनाने के लिए किसान यूनियन ने कुटार क्षेत्र के किसानों के साथ संपर्क किया और महापंचायत में शामिल होने की अपील की। किसान नेता संदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र के गांव मखौलिया, लक्ष्मीपुर, कहमरिया और रामपुर सहित करीब 1 दर्जन गांव में किसानों से संपर्क किया गया। इस दौरान किसानों से अपील की गई कि वह 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर महापंचायत में शामिल हों और अपनी आवाज बुलंद करें। तिलहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन हो रहा है। यहाँ लोग सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क के ही दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि स्वास्थ्य कर्मचारी भी बड़ी लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं। थाना मिर्जापुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुटैटी उत्तर के मजरा धीरपुरा में मंदिर को जाने वाले रास्ते पर कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि यहाँ गांव में बने माता के मंदिर को जाने वाले रोड पर गांव के ही कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिससे मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ते को कब्जा मुक्त कराने के लिए कई बार थाना समाधान दिवस में भी शिकायत की गई है, बावजूद उसके रास्ता नहीं खोला जा सका, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विकासखंड बंडा के गांव मोहद्दीनपुर में नालियों में जमा हुई गंदगी से संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां तैनात सफाई कर्मचारी सफाई करने नहीं आता, जिसके चलते गांव में गंदगी पनप रही है। आलम यह है कि नालियां गंदगी से पटी हुई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां लंबे समय से नालियों की सफाई नहीं हुई। फिलहाल अब ग्रामीणों ने गांव में फैली गंदगी को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत करने की बात कही है।
थाना सदर बाजार के मोहल्ला कटिया टोला स्थित सहारा इंडिया परिवार के ऑफिस में आज निवेशकों ने जमकर हंगामा काटा। यहां दर्जनों की संख्या में पहुंचे निवेशकों ने भुगतान न होने को लेकर जमकर हंगामा किया। निवेशक हंगामा करते हुए शाखा मैनेजर के चैम्बर में घुस गए और उनसे भुगतान की मांग करने लगे। सहारा इंडिया के निवेशकों का आरोप है कि उनका भुगतान लंबे समय से नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। सहारा इंडिया के शाखा मैनेजर अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके चलते निवेशकों को परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। जलालाबाद की सड़कों पर डग्गा मार वाहन बेखौफ दौड़ रहे हैं। यहां याकूब तिराहे से अवैध डग्गा मार वाहन ठूंस ठूंस कर सवारियां भरते हैं। इस दौरान यहां जाम की समस्या भी बनी रहती है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी चर्चा है कि डग्गा मार वाहन पुलिस प्रशासन की सरपरस्ती में चलते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। एसओजी और थाना सदर बाजार पुलिस ने हरियाणा से बिहार ले जाए जा रही अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस दौरान पुलिस ने 6 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल एसओजी टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पेट्रोल टैंकर में शराब को छिपाकर बिहार ले जाया जा रहा है। सूचना पर एसओजी टीम और थाना सदर बाजार पुलिस ने सदर बाजार के सहबाज नगर रोड पर टैंकर को पकड़ा। तलाशी लेने पर टैंकर से 130 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। ब्रांडेड शराब की तस्करी हरियाणा से बिहार के लिए की जा रही थी। बरामद की गई ब्रांडेड शराब की कीमत लगभग 9 लाख रुपए आंकी गई है। इस दौरान पुलिस ने 6 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। एक महीने पहले सड़क हादसे में घायल हुए अधेड़ की इलाज के दौरान कल बरेली के निजी अस्पताल में मौत हो गई। आपको बता दें कि तेलर थाना क्षेत्र के धनौरा गांव का रहने वाला 50 वर्षीय महेश करीब एक महीने पहले गांव से शाहजहांपुर आ रहा था। उसी दौरान अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया था, जिसे बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के दौरान कल उसकी मौत हो गई। तेलहर के गाँव रमापुर दक्षिणी में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यहाँ कृष्ण भक्तों ने केक काटकर जन्माष्टमी मनाई। इस दौरान छोटे छोटे बच्चे कृष्ण के रूप में नजर आए। सदर बाजार के मोहल्ला तारीन स्थित नूरी मरकज में आज कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन हुआ। कैंप का उद्घाटन नूरी मरकज के अध्यक्ष हाजी इम्तियाज अली ने किया। इस अवसर पर इम्तियाज अली ने कहा कि कोरोना बीमारी को हराने का एकमात्र उपाय 100% टीकाकरण है, इसलिए हर पात्र व्यक्ति को टीका लगवाना चाहिए। कैंप में नगर के ज्यादातर क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी पहली और दूसरी डोज लगवाई। समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप यादव और प्रदेश महासचिव उस्मान सिद्दीकी आज शाहजहांपुर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष हरजीत सिंह भी साथ रहे। बिजलीपुरा स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने उनका जोरदार स्वागत किया। जलालाबाद की बड़ी दरगाह मस्जिद के पास सड़क में पानी भरने से नमाजियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बड़ी दरगाह वाली मस्जिद के पास सड़क की हालत जर्जर हो गई है। सड़क में गड्ढे बने हुए हैं और बरसात में पानी भर जाता है, जिससे नमाज पढ़ने वाले नमाजियों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। बताया जा रहा है कि जर्जर सड़क को सही कराने के लिए कई बार नगर पालिका प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन अभी तक मरम्मतीकरण का कार्य नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की महानगर महिला मोर्चा की एक बैठक रेती स्थित पार्टी कार्यालय में हुई, जिसमें नवनियुक्त पदाधिकारी का स्वागत किया गया। इसके बाद महिला कार्यकर्ताओं को पार्टी की आगामी कार्य योजना के बारे में जानकारी दी गई। तमाम मांगों को लेकर आज शिवसेना ने खिरनीबाग रामलीला मैदान में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। यहां पहुंचे शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जलालाबाद के अशरफपुर गांव में उनके साथी कार्यकर्ताओं के मकान को हटवाकर पंचायत घर का निर्माण कराया जा रहा है। शिवसेना नेता ने बताया कि मामले की शिकायत पहले भी की जा चुकी है, बावजूद निर्माण नहीं रोका जा रहा है। शाहजहांपुर पुलिस ने पुलिस अधीक्षक एस आनंद के निर्देशों पर चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के तहत
30 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कच्ची शराब, ताश के पत्ते समेत नकदी और अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 27 मुकदमे भी दर्ज किए हैं। वहीं पुलिस ने 245 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बरामद हुई 700 लीटर लहन को मौके पर नष्ट कराया है। पुलिस की यह कार्रवाई सभी थानों में एक साथ की गई है। फिलहाल पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। कल शाहजहांपुर में जन्माष्टमी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तस्वीरें जलालाबाद नगर के मंदिरों की हैं। यहां मंदिरों को रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया था। इस दौरान भक्तों ने कृष्ण लीलाओं का मंचन किया। मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने लीलाओं का आनंद लिया। जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर पहुंचे बच्चे राधा कृष्ण की वेशभूषा में नजर आए। जलालाबाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम ने ब्रज क्षेत्र के महामंत्री रुद्र लक्ष्मीकांत अवस्थी और युवा मोर्चा के नव मनोनीत किए गए जिलाध्यक्ष रोहित सुधीर सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान दोनों पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि सब लोग सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें।